टुडे आई एम गोइंग टू डील विद द टॉपिक कोविड-19। हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है कोविड-19 के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ये है कि कोरोना वायरस जो बोलते हैं कोविड-19 को, हम कोरोना वायरस बोलते हैं। कोरोना वायरस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। कोरोना वायरस क्या है? एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि किससे कॉज हो रही है? कॉज्ड बाय सार्स वायरस। ठीक है, सार्स वायरस से हो रही है। और सेकंड पॉइंट हम देखेंगे जो कोविड-19 है डिसीज़, कोरोना वायरस से हो रही है, ये डिस्कवर कब हुआ था? कवर्ड इन दिसंबर 2019। अब अगर हम बात करें वेरिएंट्स, इसके दो वेरिएंट्स आए थे, मतलब इसके वायरस में जो चेंजेस हमें देखने को मिले थे उनकी बात कर रहे हैं। तो दो तरीके के वायरस चेंज वायरस थे जो कोरोना फैला रहे थे। ठीक है, तो वो वेरिएंट जो हैं वो कौन कौन से थे? एक था डेल्टा और एक था ओमिक्रॉन। ठीक, अगर अब हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है फीवर। ठीक, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मसल पेन होगा, कंजेशन होगा, ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। बाकी सिम्टम्स होते हैं जो कॉमनली देखने को मिलते हैं वो यही है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, फीवर होती है, मसल एक होता है, और क्या है, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह होगा, तो उसकी वजह से जुकाम जैसा हो जाता है जिसकी वजह से कंजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कोरोना वायरस डिसीज़ है, कोरोना वायरस डिसीज़ इनिशियली ये सबसे पहले नोटिस्ड हुई थी, जो इनिशियली नोटिस्ड कहाँ पे? सी फूड्स में देखने, जहाँ सी फूड मार्केट जो कहाँ पे थी? वुहान। कहाँ पे? वुहान इन चाइना, वुहान में देखने को मिली थी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट नोटिस हुआ था ये वायरस चाइना में, कब हुआ था? फर्स्ट नोटिस्ड इन चाइना ऑन 31 दिसंबर 2019। मतलब चाइना में जब पहली बार इसे नोटिस किया गया था तो कब नोटिस किया गया था? 31 दिसंबर 2019 को। आगे 7 पॉइंट, WHO declared COVID-19 a pandemic। ठीक है, जो COVID-19 डिसीज है उसे पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। कब? ऑन 30 जनवरी 2019 में। 8 पॉइंट देखेंगे हम। 8 पॉइंट में ये है कि जो COVID-19 है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, कैसे फैलता है? एक तो ड्रॉपलेट से, कैसे कफिंग किया किसी ने, स्नीजिंग किया, तो वो ड्रॉपलेट से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लुइड्स एंड फीसेस से। ठीक है, बॉडी फ्लुइड्स एंड फीसेस। फिर कैसे फैल सकता है? कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, मतलब अगर किसी सरफेस पर छुआ है या हाथ रखा है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, फिर वहाँ जाके दूसरे पर्सन का हाथ
रखा है तो क्या है, वो सरफेस टच होने की वजह से हो सकता है। अब हम बात करें 9 पॉइंट में इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 14 days। ठीक, अब 10th में है रिस्क फैक्टर्स। तो COVID-19 के रिस्क फैक्टर क्या है, एडवांस्ड एज, जो ज़्यादा एजड पर्सन थे जैसे कि एवव 60 लोग थे उनमें ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, या फिर ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जैसे कि जिन पर्सन में कार्डियक डिसीज़ हैं उनमें ज़्यादा होने के हो रहा था। ठीक है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़, ठीक, या फिर क्रॉनिक लंग डिसीज़, ये सारी कंडीशंस में इन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अब हम क्या है 11th में लैब टेस्ट की बात करते हैं। लैब टेस्ट की बात करेंगे तो मेनली जो 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है बहुत सुना हुआ RT-PCR टेस्ट और दूसरा क्या है एंटीबॉडी टेस्ट, ये यूज़ किए जाते हैं लैब टेस्ट में किसके लिए, COVID-19 के लिए। नेक्स्ट 12 पॉइंट है मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ नो डेफिनेटिव मैनेजमेंट, इसका पर्टिकुलर कोई मैनेजमेंट नहीं है, बट हम और क्या क्या कर सकते हैं जो पेशेंट को सही करने के लिए, आइसोलेट कर सकते हैं पेशेंट को, सपोर्टिव केयर देंगे, वाइटल साइंस को मेंटेन रखेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करेंगे। अभी बोला कि पेशेंट में ऑक्सीजन जो होती है क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है ना पेशेंट्स में, तो पेशेंट का कॉमन सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो हम क्या करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रखेंगे। फीवर बहुत कॉमन होता है पेशेंट में सिम्टम्स में, तो क्या करेंगे एंटीपायरेटिक्स देंगे, लिक्विड न्यूट्रिशन देंगे और हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। हम ड्रग्स की बात करें तो कौन से मोस्ट कॉमन ड्रग्स यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एक है रेमडेसिविर का जो डोज है वो है 200 mg IV ऑन day 1 पे, और फिर इसको फॉलो करेंगे फॉलोड बाय फॉलो डोज जो है वो है 100 mg IV डेली। इसके अलावा अब हम आगे देखेंगे रेमडेसिविर था। नेक्स्ट है कॉन्वेंसरेंट प्लाज्मा, और इसका जो डोज है वो 14 to 13 ml पर kg है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो टॉसिलीज़ुमैब, इसका जो डोज है वो है 8 mg पर kg, और इसको क्या करेंगे स्लोली देंगे, गिवन स्लोली इन 100 ml NS, और वो भी ओवर 1 आवर। नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नेक्स्ट ड्रग है, जिसका डोज है 400 mg और BD ये day 1 पे, और फिर फॉलोड डोज जो है वो 400 mg डेली होगा, पहले BD है फिर 400 mg डेली फॉर नेक्स्ट 4 डेज के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट COVID-19, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थे COVID-19 से रिलेटेड जो आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या पूछे जाते हैं, वो आपको बताए हैं। थैंक यू।